वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन किसको कहते हैं? ठीक है, नाउ जैसा आप सब जानते हैं, जब एक प्रेग्नेंट लेडी की जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद माँ जो है वो उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू कर देती है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स जो माँ के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनसे जो है मिल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, और फिर ये माँ उसी पहले दिन से लेकर लगभग 1-2 साल तक, 2.5 साल तक इस बच्चे को जो है दूध पिलाती रहती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऐसी मदर को हम कहते हैं लैक्टेटिंग मदर, और इस मिल्क का प्रोड्यूस होना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इन सिंपल वर्ड्स इसको हम डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ, जो मदर के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, इन मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर इज कॉल्ड लैक्टेशन। इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, एंड सच मदर इज कॉल्ड एज लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर जो होती है, अक्सर क्या होता है सोसाइटी में, सारी जो मदर्स होती है वो लिटरेट नहीं होती है, एजुकेटेड नहीं होती है। एक लैक्टेटिंग मदर जो होती है वो एक दिन में 1-2 लीटर जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है, और इस लैक्टेशन के पीरियड में इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसको न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत होती है, एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली जो है लैक्टेट करती रहती है, ब्रेस्ट फीड करती रहती है अपने बच्चे को। तो इसमें ख्याल रखना होता है कि इसको सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर क्वांटिटी में इसको मिले, क्योंकि इसको बच्चे तक वो देने होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसलिए थ्रू द एंटायर लैक्टेशन पीरियड एक मदर को मेडिकेशन लेना, यानी इसको कैल्शियम रिपीटेडली खाना इस दौर में जो है, इस टाइम में बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो मदर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है, एक हेल्दी मदर हो तो वो जो है फिर प्रॉपरली अपनी सेहत का ख्याल रख के जो है अच्छी तरह से लैक्टेट कर सकती है अपने बच्चे को। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। अब ये पीरियड क्या होता है इसका, कब शुरू होता है लैक्टेशन? जैसे आप जानते हैं क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इस मदर के, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन हो जाती है लैक्टेशन दिस प्रेगनेंसी के टाइम में। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जब मदर के नौवां महीना होता है, एट द एंड ऑफ, यानी टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का टाइम खत्म होने को आता है, बच्चा डिलीवर होने को आता है, तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इसके, वो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क सिक्रीट करना। क्या मैंने कहा आपको, मैंने कहा ये जो मिल्क सिक्रीशन होती है ये कहां से स्टार्ट होती है, कब से स्टार्ट होती है, एक लेडी के, प्रेग्नेंट लेडी के, एक प्रेग्नेंट मदर के जब डिलीवरी का टाइम होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द मेमोरी ग्लैंड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क। अंडरस्टैंड? नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ, आफ्टर द बर्थ ऑफ, बर्थ ऑफ बेबी, जब ये बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जो है दूध प्रोड्यूस होना, मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड? यूजुअली विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों में, अगर जो है जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जन्म लेता है, विद इन 24 आवर्स दिस मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल मदर स्टार्ट्स। अंडरस्टैंड? नाउ दैट मींस जब एक माँ जो है जब वो बच्चे को जन्म देने के तैयार होती है, तो उस टाइम से लेकर जन्म के बाद जो है ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बनना जो है शुरू हो जाता है, उसके बाद लगभग 2 या 2 से 2.5 साल तक जो है
ये माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती रहती है, ठीक है। लेकिन इंटेंस लैक्टेशन जो होती है, सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है एक माँ के मेमोरी ग्लैंड से, वो होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ लैक्टेशन। अंडरस्टैंड, फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ चाइल्ड। नाउ जब बच्चा 6 महीने का हो रहा होता है, मतलब पहला दूसरा 6 महीने तक बहुत सारी इंटेंस लैक्टेशन होती है माँ में, क्योंकि इस टाइम में एक बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा होता है। 6 महीने के बाद आप उसको पेस्ट बना के कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन सेमी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म इसको देने की जरूरत नहीं होती है बच्चे को, ठीक है। देन ये दूध जो है बनना शुरू होता है और जो है ये फीडिंग करना शुरू करती है माँ जन्म लेने के बाद अपने बच्चे को, ठीक है। अब इसमें जो है हार्मोन्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, अगर ये हार्मोन्स नहीं अच्छी तरह से रिलीज होंगे तो मिल्क प्रोड्यूस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रोल ऑफ हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स का क्या रोल होता है? जैसे आप जानते हैं जब एक लड़की का प्यूबर्टी का टाइम आता है, प्यूबर्टी आप जानते हो व्हेन शी बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर एट द एज ऑफ 12 to 13 years, इसमें क्या हो जाता है, इसमें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सेक्स हार्मोन्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन, इसमें ओ भी लिख सकते हो आप, नहीं भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने ई से स्टार्ट किया, एस्ट्रोजन, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं एक लड़की के मेमोरी ग्लैंड्स का, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे। तो मेमोरी ग्लैंड जो है एक फीमेल में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहते हैं फीमेल में, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में और जो है डेवलपमेंट इनका हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स। देन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का प्रोड्यूस होना, वो स्पेशली एक हार्मोन से होता है, अगर वो हार्मोन नहीं निकलेगा तो नहीं प्रोड्यूस होगा, उस हार्मोन को कहते हैं हम, दूध का प्रोड्यूस होना हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। दिस हार्मोन, ये हार्मोन कहां से आता है, जो ही फीमेल एक मदर अपने बच्चे को जन्म देती है तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है प्रोलैक्टिन की, और ये प्रोलैक्टिन जो होता है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है, ठीक है। जब ये रिलीज हो जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है मेमोरी ग्लैंड्स में, क्लियर। देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन, देन दिस वन मोर हार्मोन दैट्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। एक तो देखो मिल्क प्रोड्यूस होता है लेकिन मिल्क बाहर नहीं निकलता है तब तक जब तक बच्चा जो है, बेबी जो है वो सक ना करे दूध को, अंडरस्टैंड। व्हेन बेबी स्टार्ट सकिंग दिस हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, असल में ये हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस का लेकिन स्टोर होता है पिट्यूटरी के पोस्टीरियर ग्लैंड पार्ट में, तो वहां से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मिल्क इजेक्शन करता है, यानी मिल्क बाहर निकलता है इसके इन्फ्लुएंस से जब बेबी सक करना शुरू करता है जो है दूध को, तो दूध निकलता है, ठीक है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू हार्मोन्स प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये जो है मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन शुरू हो जाती है, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, जो मां होती है पहले 2-3 दिन के लिए एक मां से, मां के मेमोरी ग्लैंड से जो दूध निकलता है उस मिल्क को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम एक पहला मिल्क होता है जो मां के मेमोरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। सो कोलेस्ट्रम इज द मदर्स फर्स्ट मिल्क, ये मां का जो है फर्स्ट मिल्क होता है जो रिलीज होता है पहले 1-3 डेज के लिए। द फर्स्ट मिल्क दैट कम्स आउट ऑफ द मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स
वन टू थ्री डेज इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, इसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये कोलोस्ट्रम जो होता है ये येलो कलर का होता है, स्लाइट येलो कलर का होता है, नॉट टिपिकल येलो कलर, इट इज स्लाइटली येलो इन कलर एंड दिस मदर्स मिल्क कोलोस्ट्रम दिस इज मस्ट फॉर दिस बेबी। ये इस बेबी को पिलाना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए जो ही एक बेबी डिलीवर होता है डिलीवरी के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ही जरूरी होता है, मस्ट होता है, अंडरस्टैंड। अब क्या होता है कुछ लोग नहीं कराते हैं उस टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग, उस टाइम में वो लैक्टोजन को प्रेफर करते हैं बिकॉज वो कंसिडर करते हैं मां का अगर सिजेरियन हुआ है तो वो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए कैपेबल नहीं होती है उस टाइम, बट इट्स एडवाइजेबल वट एवर इन कंडीशन, वो स्टेबल कंडीशन में होनी चाहिए, अदरवाइज सिजेरियन हो नॉर्मल डिलीवरी हो ये कोलेस्ट्रॉल पिलाना बच्चे को बहुत ही जरूरी होता है। स्लाइटली येलो इन कलर होता है, ये इसमें सेल्स होती है जो मां की मेमोरी ग्लैंड से ही निकल आती है, वहां मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई जिनको कहते हैं हम, वो एल्वियोलाई से ही मिल्क प्रोड्यूस होता है तो वो सेल्स इसमें होती है। इसके अलावा इसमें बहुत क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, इट्स रिच इन प्रोटीन, इट इज रिच इन लैक्टो प्रोटीन, इसमें लैक्टो प्रोटीन होता है, इसमें लैक्टो एल्बुमिन होता है, ये प्रोटीन रिच होता है और उसमें फैट कंटेंट बहुत कम होता है, फैट लेस होता है इनिशियली, अंडरस्टैंड। देन इसमें इसके अलावा जो है इम्यूनोग्लोबुलिंस होती है, इम्यूनोग्लोबुलिंस आप जानते हैं बच्चों ये एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज जो हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट जर्म्स, अंडरस्टैंड, एंटीबॉडीज। तो यूजुअली आईजीए एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज की बहुत किस्म होती है, आईजीए एंटीबॉडी जो है इस मां के पहले दूध में प्रेजेंट होती है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ये एंटीबॉडी जो है ये एक बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड में, दैट मींस इम्यूनिटी मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जर्म्स, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू डिफेंड द इन्फेक्शन, देन पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यूजुअली एक बच्चा जो होता है जब वो जन्म लेता है तो 3 महीने तक वो बिल्कुल बीमार नहीं होता है, द रीजन बिहाइंड दिस इज दिस मिल्क मदर्स कोलेस्ट्रॉल दैट प्रोवाइड्स इट द इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी दैट गिव्स इट प्रोटेक्शन फ्रॉम द जर्म्स अप टू 3 months व्हेन दिस बेबी इज वेरी वीक बाय मींस ऑफ इट्स इम्यून सिस्टम, सो दिस गिव्स इट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स। नाउ दिस मदर्स मिल्क, What is the composition of this mother's milk? इसका composition क्या है, इसमें क्या क्या present होता है? जैसे मैंने आपको कहा lactation period जो होता है इसमें माँ जो होती है 1 से 2 liters of milk produce करती है per day within 24 hours. इसमें क्या क्या होता है, the mother's milk contains water, ठीक है, इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप फर्क समझते हैं, देन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है इट्स इट कंटेन्स फैट इन द ऑर्गेनिक कंटेंट, इसमें फैट असल में फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्पेशल प्रोटीन जिस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बेबी के अंदर एंजाइम होता है जिसको आप रेनिन कहते हो, ठीक है, जो एडल्ट में फिर नहीं होता है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं कैसीन, मिल्क प्रोटीन जो होता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है शुगर जो आप जानते हैं जिसको कहते हैं हम लैक्टोज, लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक है, ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं दूध के अंदर, मदर्स मिल्क के अंदर, ये मिनरल्स में इसमें सोडियम है, देन इसके अलावा इसमें कैल्शियम है, देन इसके अलावा इसमें पोटेशियम होता है एंड इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मिनरल्स मां के जो है मिल्क में प्रेजेंट होते हैं।
इट ऑल्सो कंटेन्स वाइटामिन्स, इसमें वाइटामिन्स भी होते हैं, सभी वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. बट अब यहां पर क्या होता है, मिल्क इज पोर इन आयरन कंटेंट, मदर्स मिल्क जो होता है या दूध जो होता है इसको कंप्लीट फूड माना जाता है. ठीक है, इट्स पोर इन आयरन कंटेंट एंड इट कंटेन्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑनली वन विटामिन, दैट्स कॉल्ड वाइटामिन सी. इसमें वाइटामिन सी की कमी होती है और आयरन इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, अदरवाइज मां के मिल्क में सब कुछ प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये जो लैक्टेशन का पीरियड होता है, पहले ही मैंने कहा मां जो होती है एक बच्चे को पहले 6 महीने तक लैक्टेशन जो होता है बहुत ज्यादा होती है इस मां में. क्यों? क्योंकि इस टाइम में जो है बच्चा कुछ खाता नहीं है, जस्ट दूध पी रहा होता है. ये लैक्टेशन जो होती है ये असल में कंट्रोल्ड होती है बाय नर्वस सिस्टम, बट दिस इज पार्ट प्लेड बाय द हार्मोन्स आल्सो, दैट यू आल्सो नो, जो मैंने आपको पढ़ाया. इसके अलावा मां के साइकिक स्टेट पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, अगर मां जो होती है उसको अपना बच्चा बहुत प्यारा ही होता है चाहे वो कैसा ही हो, तो लड़का हो लड़की हो मां के लिए उसमें बहुत सारी जो शफकत होती है, जब जब मां देखती है एक बच्चा रोता है तो मां के उसके देखने से जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो और ज्यादा होती है. इसलिए मैंने कहा आपको दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइकिक स्टेट ऑफ द मदर, कितना लैक्टेशन हो कितना प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो ये उस पर भी डिपेंड करता है. इट इज इन्फ्लुएंस बाय द नर्वस सिस्टम, इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स. दैट्स ऑल अबाउट लैक्टेशन.